चाय नाश्ता बाद में, पहले जरा सर दबा देना, सर दर्द हो रहा है और आंखें भी जल रही है। क्यों, रात को ठीक से नींद नहीं हुई? नहीं। क्यों, चूरन नहीं खाया था? अरे चूरन खाया था भाई। तो? अरे वो आज वो धनराज सिंघानिया जी मीटिंग के लिए आने वाले हैं तो उसको लेकर थोड़ा टेंशन था, तो फिर नींद नहीं आई। देखिए ना, चिंता की वजह से आपके चेहरे की चमक भी चली गई है। मैं आपको मुल्तानी मिट्टी और चंदन का लेप लगा देती हूँ। अभी और कितनी देर डरावना बन के बैठना है? बस 5 मिनट। हाय देवा भाभी। बबीता जी आई हो। अरे हाय जेठा जी, लगता है सो गए हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी तो जाग रहे थे। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, आप सो गए? जाग रहे हैं। बबीता जी आए हैं। ये बबीता जी। अरे वाह जेठा जी, आपकी ब्यूटी ट्रीटमेंट चल रही है। नहीं, वो ये दया ने कुछ लगा दिया। ओके दया भाभी, मुल्तानी मिट्टी है ना? हाँ, और साथ में चंदन भी है। अरे वाह जेठा जी, इट्स फैंटास्टिक, वेरी गुड फॉर स्किन। थैंक यू। आप बैठे ना बबीता जी, आप और दया बातें कीजिए, मैं जरा दुकान जाने के लिए तैयार होता हूँ। ककड़ी तो खा जा। अब बैठिए ना बबीता। नहीं नहीं, मुझे बैठना नहीं है। वो एक्चुअली आज शाम को मुझे अय्यर के साथ एक फंक्शन में जाना है। हाँ, तो बांधवी वाली साड़ी चाहिए ना? अभी लाई। नहीं नहीं, साड़ी है पर उसके साथ मैचिंग बिंदी नहीं है। और आपके पास तो? हाँ, मेरे पास तो एक से एक डिजाइन वाली बिंदी है। आप अंदर आइए, आपको जो भी बिंदी पसंद हो ना ले लीजिए। आइए। ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच दया भाभी। ओके सी यू, बाय बाय बाय। हेलो सेठानी जी, गुड मॉर्निंग, मैं नटू काका बोल रहा हूँ। ओह गुड मॉर्निंग नटू काका, आप वो क्या है, टप्पू के पापा आज रात तैयार हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, कुछ काम था? हाँ काम तो सेठ जी से ही था, लेकिन वो काम आप ही कर सकती हैं। मतलब? मतलब हम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए देवी माँ के शरण में आए हैं। एक मिनट सेठानी जी। बागा, हाँ? तेरी प्रॉब्लम बता जी। हेलो सेठानी जी, बागा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए, क्या हुआ? सेठानी जी, वो दरअसल क्या है, आज बावरी जी के मम्मी पापा मुंबई आने वाले हैं। अब तक तो आ भी गए होंगे। ओहो, मतलब आपके सास ससुर आ रहे हैं? क्या सेठानी जी, आप भी? वो तो शादी तय होगी तो ना? अरे हो ही जाएगी बागा भाई, आप जैसा जमाईराज, वो लोग दिया लेकर ढूंढने जाएंगे ना तो भी नहीं मिलेगा। थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू वेरी मच। वाह, बावरी बहन के मम्मी पापा मुंबई आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है बागा भाई। लेकिन सेठ जी को ऐसा नहीं लगता है ना? सेठानी जी, आज मुझे शायद बावरी जी के मम्मी पापा को मिलने जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे दुकान से आधे दिन की छुट्टी लेनी होगी। लेकिन सेठ जी मुझे छुट्टी देंगे नहीं, इसलिए आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ सेठानी जी, आप सेठ जी से कहिए ना मुझे आज आधे दिन की छुट्टी दे दे प्लीज। अरे बागा भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी उनको कह देती हूँ। और आपको ऑल बेस्ट। थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू वेरी मच। वही वही हाश, नटू काका सेठानी जी ने कहा है कि वो सेठ जी से बात करेंगी। हाश, आधा टेंशन कम हो गया। वेरी गुड बागा, वेरी गुड। नाउ लेट अस मूव। हाँ चलिए चलिए। टप्पू के पापा चाय। आया आया। बबीता जी गए? हाँ। वाह, आपका चेहरा तो क्या चमक रहा है। अच्छा? हाँ, अरे मैं तो कहती हूँ आपको हफ्ते में 2 बार चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगानी ही चाहिए। ठीक, लगाऊंगा बस। अरे हाँ, टप्पू के पापा बाघा भाई का फोन था। क्या कह रहा था? वो कह रहे थे कि आज बावरी बहन के मम्मी पापा मुंबई आ रहे हैं। तो वो जरा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनको आज एक दिन की छुट्टी चाहिए। मैंने सुबह उसको फोन किया, तभी मेरा फोन उसने उठाया नहीं, और अभी तुझे फोन करके छुट्टी मांग रहा है। अरे आपको फोन करे या मुझे फोन करे, बात तो एक ही है ना। लेकिन आज दुकान में बहुत काम है भैया, आज एक बड़ा ऑर्डर मिलने का चांस है, फिर डिलीवरी बाकी है, पेमेंट मंगाना है, ऐसे में उसे छुट्टी चाहिए।
और वो भी मुझे फोन करके पूछता नहीं है छुट्टी के लिए, तुझे फोन करके चापलूसी करता है। नहीं बहनी, आज उसको छुट्टी नहीं मिल सकती। पर मैंने बागा भाई को कह दिया है कि आप चिंता मत कीजिए, आज आपको छुट्टी मिल जाएगी। अरे तुझे डोर डापण करने के लिए किसने कहा दया? तेरा किचन का काम मैं कभी दखल अंदाजी करता हूँ? नहीं। तो फिर तू मेरा दुकान का काम दखल अंदाजी क्यों कर रही है? सॉरी, वो क्या है, बावरी बहन के मम्मी पापा बाघा भाई के भावी सास ससुर है ना, इसलिए मैंने सोचा कि। अरे लेकिन भावी सास ससुर को वो दुकान के बाद भी मिलने जा सकता है ना, उसके लिए पूरे दिन की छुट्टी लेने की क्या जरूरत है? आने दे आज उसे दुकान, आज उसकी खैर नहीं है। चने खिलाओ, चने खिलाओ कबूतरों को, चने खिलाओ तो हुई तकदीर को जगाओ। नटू काका, कबूतर को चने खिलाते हैं, एक 10 रुपए दीजिए ना। आखा भी काम लेट हो जाएंगे, सेठ जी नाराज हो जाएंगे। नहीं होंगे नाराज नटू काका, और वैसे भी ये तो पुण्य का काम है, दीजिए ना प्लीज। ले, थैंक यू। आइए, अरे भाई, चने 10 रुपए के चने देना। आओ 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 नटू काका, आप भी खाओ, मतलब खिलाओ। आओ, इतने सारे हो, कोई तो जाओ, जा जा। अरे बागा, मगर एक कबूतर बावरी को पहचानेंगे कैसे, उन्होंने उसे देखा तो है नहीं। हाँ नटू काका, मैं काम करता हूँ, अपने मोबाइल से इनको बावरी जी का फोटो दिखा देता हूँ। अरे बागा, why waste टाइम, तो एक काम कर, तू खुद ही बावरी को फोन कर और उससे बात करके खुश खबर ले ले। ये भी सही है नटू काका, मैं अभी बावरी जी को फोन करता हूँ। कमाल है नटू काका, बावरी जी फोन नहीं उठा रही है। इट्स ओके, वो उसकी मम्मी पापा के साथ बिजी होगी, हम लोग दुकान चलते हैं, उसका फोन आ जाएगा। बराबर है नटू काका, एक काम करते हैं, चने खिला के फिर जाते हैं। पापा ये लीजिए गर्मा गर्म भजिया। अरे बेटा ये भजिया नहीं समोसा है, अब तुम कहोगी गलती से मिस्टेक हो गई। अच्छा कोई नहीं, पापा ये लीजिए, बैठ बेटा ले लीजिए, आपको बहुत पसंद है ना, मैंने अच्छे से मक्खन लगाया है। क्या बात है बेटा, बड़ा मक्खन लगा रही हो, कोई बात कहनी है क्या? मम्मी पापा, आपको नहीं लगता कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मेरे हाथ पीले कर देने चाहिए। अरे अरे बेटा, हम सिर्फ तुम्हारे हाथ पीले ही नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ पहनाएंगे, तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा लाल शादी का जोड़ा बनवाएंगे। इतना ही नहीं बेटा, तुम्हारे लिए हीरे के गहने भी खरीदेंगे। बेटा तुम्हें खुशियों के हर रंग से भर देंगे। बावरी बेटा, हम तेरी शादी की बात करने ही आए हैं। हाँ, इतना ही नहीं बेटा, कानपुर के बड़े बड़े जमींदारों के घर से तुम्हारे लिए रिश्ते आ रहे हैं, एक दो को हमने देख भी लिया है और एक को तो तुम्हारी माँ ने पसंद भी कर लिया है। हाँ पापा, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? बोलो बोलो बेटा, हम तुम्हारी बात का बुरा थोड़ी मानेंगे, तुम हमारी लाडली बेटी हो। पापा मुझे मुंबई में एक लड़का पसंद आ गया। क्या, तुम्हें लव हो गया है? तुम लव मैरिज करना चाहती हो? इसका दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें मुंबई इसलिए भेजा था। और इसका सामान पैक करो और कानपुर लेके चलो इसे। पापा एक बार आप उससे मिल तो लीजिए, भागेश्वर जी बहुत अच्छे इंसान है, आपको पसंद आ जाएंगे। प्लीज पापा प्लीज, एक बार मिल लीजिए ना। देखिए एक बार मिल तो लीजिए, मिलने में क्या हर्ज है? तो ठीक है, मिल लेता हूँ, उसे अभी का अभी बुलाओ। अगर बागेश्वर जी को दुकान से छुट्टी नहीं मिली तो क्या होगा? ये नटू काका और बागा आए नहीं अभी तक? नहीं सेठ जी। आज आने दो उनको, आज उनकी खैर नहीं, जब देखो तब पगार बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ।
गुड मॉर्निंग सेठ जी। अरे सेठ जी मैं कहाँ, सेठ जी तो आप लोग हैं। मेरे आने के बाद आराम से आते हैं, सुबह फोन करो तो फोन नहीं उठाते हैं, फिर छुट्टी के लिए मुझे फोन करना जरूरी नहीं समझते हैं, दया को फोन करते हैं। वो सेठ जी आज बावरी जी के मम्मी पापा आए हैं ना, तो आज के आज मिलने जाने की क्या जरूरत है, कल नहीं मिल सकता दुकान के बाद? जब देखो तब छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए, जल्दी जाना है, ऊपर से पगार बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ। एक बार मगन का पगार बढ़ाऊंगा लेकिन तुम्हारा पगार नहीं बढ़ाऊंगा। थैंक यू सेठ जी। ओ भाई क्या थैंक यू, गुस्से में बोले अभी बात को पकड़ मत ले, चल चल खड़ा मत रह, जा गोडाउन में काम कर अपना, चलो। और नटू काका आप ये चेक अभी कभी बैंक में भरवा दीजिए। जी सेठ जी। हाँ। चल भाई तू तो भी मेरे सामने ऐसे खड़ा मत रहे, साफ सुफ करके दुकान चकाचक कर दे, पता है ना आज सेठ धनराज सिंघानिया जी आने वाले हैं। चल चल काम पे लग जा, चल चल। जी सेठ जी। हाँ चलो। सेठ जी मैं बैंक में जाके आता। हाँ सेठ जी मैं अभी वो गोडाउन में जाके दुकान साफ करने का कपड़ा लेके आता हूँ। हाँ। अभी आया। बोलिए बोलिए बावरी जी, हो गई मम्मी पापा से बात? हाँ हो गई, पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। आप अभी के अभी भोलेनाथ जी के मंदिर आइए, आपसे अर्जेंट बात करनी है, वरना फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे। क्या? हेलो हेलो बावरी जी। अरे बाप रे, ये क्या कह दिया बावरी जी ने, कभी नहीं मिल पाएंगे, मतलब जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्या करूं? सेठ जी छुट्टी दे नहीं रहे हैं और बावरी जी मुझे आवाज दे रही हैं, हे भगवान ये कैसी कश्मकश है। सेठ जी सेठ जी क्या हुआ? सॉरी क्या किया तूने? नहीं नहीं सेठ जी मैंने किया कुछ नहीं। तो सॉरी क्यों? वो सेठ जी मुझे जाना पड़ेगा, बावरी जी ने मुझे अर्जेंट मंदिर पे बुलाया है, तो मैं जाऊं? तुझे शर्म जैसी कुछ चीज है कि नहीं? अभी आया नहीं क्या, जाऊं? क्या लगा रखा है? नटू काका बैंक में गए, कोई कस्टमर आया तो कौन देखेगा उनको, कहीं जाना नहीं है, चलो चुपचाप काम करो। आइए 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 आइए, बोलिए क्या चाहिए? एक बढ़िया सा वॉशिंग मशीन दिखाइए ना। जरूर बागा, मैडम को साहब को वॉशिंग मशीन दिखाओ। जी आइए 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 भाई साहब, ये देखिए ये है वॉशिंग मंदिर, इसमें घंटी बजती है और प्रार्थना करो तो कपड़े धुलते हैं। क्या क्या बोल रहे हो आप? सॉरी 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 बागा, यहाँ ना बेटा जरा। जी सेठ जी। क्या कर रहे है तू? सॉरी सेठ जी, वो बावरी जी के साथ बात करके मुझे बहुत टेंशन हो गया है। सेठ जी प्लीज वॉशिंग मशीन आप दिखाएंगे? अरे बाप रे, फिर से बावरी जी का फोन। कोई बात नहीं करनी है बावरी जी के साथ, जा कस्टमर को वॉशिंग मशीन दिखा। देखिए ये बागेश्वर जी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? पापा हेलो। क्या हुआ बेटा, बागेश्वर जी को कितने बजे लेके आ रही हो? पापा बस मैं बागेश्वर जी को लेकर आ ही रही हूँ। हाँ जल्दी आओ। क्या कहा पावरी ने? आ रही। अगर आज बागेश्वर जी नहीं आए तो हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा और मुझे वापस कानपुर जाना पड़ेगा। सेठ जी चेक जमा करवा दिया। शाबाश, तो अभी क्या हार पहना के आपका सम्मान करूं? सेठ जी नटू काका आ गए, अब मैं जाऊं? अरे क्या जाऊं, नटू काका समझाइए जरा इसे। व्हाट हैपेंड बागा? नटू काका बावरी जी का फोन आया था, कोई बहुत बड़ा टेंशन है, कहा कि अगर आज नहीं मिले तो फिर कभी नहीं मिल पाएंगे, मुझे अभी के अभी अर्जेंट महादेव जी के मंदिर बुलाया है, लेकिन सेठ जी मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। ए जाने ही नहीं दे रहे वाड़ी, मैं यहाँ धंधा लेके बैठा हूँ और तुझे कल तो मैंने छुट्टी दी थी, रोज रोज छुट्टी नहीं दे सकता। नटू काका आप क्या खड़े, चलिए काम कीजिए। जी जी
और तू भी खड़ा क्या भाई, काम ये देख कस्टमर आ रहे, चल 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 संभल संभल, आइए आइए भाई साहब, आइए आइए आइए। आपके पास स्मार्ट टीवी है क्या? है, जरूर है बागा, स्मार्ट टीवी देखा हो, चलो आइए। सेठ जी प्लीज मुझे जाने दीजिए ना, बावरी जी बहुत टेंशन में है, अगर मैं नहीं गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, प्लीज सेठ जी समझिए ना। अरे तू समझ ना समझ, मैं तुझे नहीं जाने दे सकता, धनराज सिंघानिया जी आने वाले, हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। अरे सोच क्या रहे, जा कस्टमर राह देख रहा, जा भाई जा, चल। सॉरी सेठ जी, पर मेरा काम में दिल नहीं लग रहा है। काम में दिल नहीं लग रहा है मतलब? देख भाई, अगर तुझे नौकरी करनी है तो काम में दिल लगाना पड़ेगा। कैसे लगाऊं सेठ जी, दिल तो एक ही होता है और वो तो मैं बावरी जी को दे चुका हूँ। एक मिनट है भाई साहब, एक मिनट। नहीं नहीं, आप अपना निपटा लीजिए, मैं किसी और दुकान पे देख लेता हूँ। नहीं नहीं सुनिए भाई साहब, अरे भाई 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 साहब सुनिए सुनिए भाई साहब, ये देख तेरी वजह से कस्टमर चला गया, नटू काका। जी सेठ जी। ये देखिए जरा, देखिए इसको, यह धंधे का इतना टेंशन है और ये बकवास पे बकवास किया जा रहा है। क्या हुआ बेटा? ओहो वडील, रहने दो रहने दो। देख बागा, अगर तुझे यहाँ नौकरी करनी है तो दिल यहाँ काम में ही लगाना पड़ेगा। सॉरी सेठ जी, आज तो ये नहीं हो सकता। अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आपको नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आजाद हो, आप जा सकते हैं, आजाद हो, आप जा सकते हैं, आजाद हो, आप जा सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? तो और क्या करूं नटू काका, इनका दिल काम में नहीं लग रहा है, वो खुद कह रहे हैं, तो मैं जबरदस्ती इनको नौकरी पे कैसे रख सकता हूँ, इनसे जबरदस्ती काम कैसे करवा सकता हूँ। जा भाई जा, तू प्यार ही कर, हाँ तुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है, भाई साहब ने दिल प्यार में लगाया है ना, काम में दिल नहीं लगता, जा भाई जा, जा हाँ प्यार कर जा। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी किस्मत। सॉरी सॉरी, जैसी मेरी किस्मत। देखिए देखिए नटू काका, ये देखिए, मैंने बोला और इसने मान लिया, इसको नौकरी की पड़ी ही नहीं है। पड़ी है सेठ जी, लेकिन आपने मुझे बीच मझधार पे लाके खड़ा कर दिया है, एक तरफ ये नौकरी है और दूसरी तरफ बावरी जी, और अगर आज मैंने बावरी जी को खो दिया तो मुझे डर है कहीं मेरी हालत भी पोपट भाई जैसी ना हो जाए। बाका? नहीं नहीं नटू काका, अब इसे समझाने का कोई मतलब नहीं है, इसका दिमाग अभी काम करना बंद हो गया है, तू जा भाई जा, 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 चला जा। मैं अंदर आऊं या मैं भी चला जाऊं? अरे धनराज सिंघानिया जी, आइए आइए आइए, ये मालिक आइए 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 आइए। सॉरी सेठ जी, चलता हूँ, आशा करता हूँ किसी दिन आप मेरी मजबूरी को समझ के मुझे माफ कर देंगे, चलता हूँ। प्यार और नौकरी दोनों ही चीजें चाहिए जिंदगी के लिए, और दोनों ही जरूरी भी, क्योंकि सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता और पैसा सारी खुशियां दे नहीं सकता, और हमारे बाघा के सामने ऐसी परिस्थिति आ खड़ी हुई है कि उन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े, प्यार या नौकरी। भाई प्यार अच्छे खासे इंसान को पागल बना देता है, और ये तो हमारे बावरी के बाघा है, बाघा का निर्णय जेठलाल की मुसीबत बढ़ाएगा या कम करेगा, लेकिन बाघा सबसे अनोखा है, जो भी करेगा हंगामे जरूर होंगे, और इधर होंगे हंगामे तो उधर होंगे ठहाके। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। बागेश्वर जी, मम्मी पापा ने ना ही हाँ कहा और ना ही ना। ये जो लड़का तुम्हें पसंद है बागेश्वर, क्या वो हमारी तरह बड़ा जमींदार है? पापा, अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती। उन्होंने अभी के अभी आपको मिलने के लिए बुलाया है, तो चलिए आप ऐसे नहीं जा सकते हो, आपको सूट बूट पहन कर आना पड़ेगा। क्यों? नहीं नहीं पापा, उनका कुल तो बहुत ऊंचा है,
बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ी गाड़ी है। बागेश्वर बेटा, बाबरी बता रही थी कि तुम्हारी एक दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की। हाँ, मुझे भी उन्होंने बताया।